हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग देखेंगे 2016 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्वेश्चन जो है 2013 में शॉर्ट आंसर टाइप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वहाँ 13 का 2 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन होगा वहाँ। हूबहू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा 2013 का वीडियो, चूँकि एक ही चीज़ बार बार कितना बार लिखा जाएगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो ही सिर्फ देखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पूछा है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एक्सप्लेन। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एक्सप्लेन करने का है। ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आंसर इसका मिलेगा 2013 में, 6th नंबर क्वेश्चन है। 2013 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही मिलेगा। ये क्वेश्चन में और ये जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसमें 2013 में 6 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा है। सेम है, कोई देखते हैं कितना बार रिपीट करता है। तो ये सब रिपीट इतना ज़्यादा करता है, तो बार बार इसको देखिए वीडियो, बहुत बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसका ले, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी रिपीट ही है, लेकिन किस साल पूछा है याद नहीं है, बना दे रहा हूं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी रिपीट ही है, 9 से 12 तक में कहीं पूछा है। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ए नंबर में पूछा है, 4-4-dimethyl 2-pentanol, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि रूट वर्ड पेंट पकड़ करके हमको 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देना है, 2 ऑल है तो 2 पर ऑल दे दिए, 4-4-dimethyl है दे दिए 4-4-dimethyl। अब सब जगह
हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, CH2CH CH3, यही स्ट्रक्चर हो गया। फिर पूछा है 2-butanol, सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ है पहले भी, 2-butanol, तो इसमें कुछ नहीं है, CH3 CH OH CH2 CH3, नहीं, N2 3 4, ये ब्यूटेन टू ऑल हो गया, इसमें काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर भी सेम पूछा हुआ ही है, फोर्थ नंबर भी रिपीट ही है, फोर्थ नंबर सब क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार, एक ही चीज बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए आप लोग जब केयरफुल्ली देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फोर नंबर देखिए, ये भी रिपीट है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, कहता है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें, ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, ई भी रिपीट ये क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, CH2 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 CH2, 1 2 3 4, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 1 2 डाई ऑल, इसमें ई रिप्लेस नहीं होता है चूंकि दो गो सेम फंक्शनल ग्रुप है। बी नंबर देखिए, CH3 CH OH CH, इसका नाम क्या हो गया, 2-hydroxy प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड पढ़ेंगे इसको, ये भी रिपीट क्वेश्चन ही है, पहले कहीं पूछा है, ये अभी तक नहीं पूछा है, डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये थर्मोडायनेमिक्स है का है, डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए अभी तक नहीं पूछा था। तो ये है जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड तथा 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस कंप्लीटली रिएक्शन करता है तो जितना हीट इवॉल्व होता है उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये पॉइंट याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस का
बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन अप्रॉक्सीमेट, या सेम कर सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी बोल सकते हैं और 57.1 किलो जूल होता है, ये याद रखना है। जैसे ये सब कैसा एग्जांपल होगा, NaOH प्लस HCl जब रिएक्शन करा देंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस 57.1 किलो जूल हीट निकलेगा, ठीक है, 57.1 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो यही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब देखिए फिफ्थ नंबर हो गया, सिक्स्थ नंबर देखिए, सिक्स्थ नंबर पूछा है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। सिक्स नंबर पूछा है, सिक्स का ए पूछा है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब देखते हैं, ये सब है इलेवेंथ का, पूछ देता है बीच बीच में क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के, रिएक्टिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए माना कि एक केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यही अगर कोफिशियंट रहेगा तो रेज टू द पावर इट्स कोफिशियंट, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही है, ठीक है। बी नंबर देखिए क्या पूछा है, सिक्स का बी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, ऑन रिएक्शन कहता है टेम्परेचर का रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, जनरली टेम्परेचर बढ़ने से, जनरली टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट दोगुना हो जाता है। ठीक है, कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। तो जनरली कंसेप्ट है टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7th नंबर देखिए, आप 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7th नंबर कह रहा है डिस्कस क्वाड्रेशन नंबर, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म। 7th नंबर कह रहा है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म। कहता है निम्नलिखित टर्म को डिफाइन कीजिए या डिस्कस कीजिए। पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, तो कंप्लेक्स कंपाउंड में क्या पड़े, सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड जिससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या कहता है, सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच लिगेंड जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, वो एग्जाम्पल जैसे लेते हैं K4Fe CN6। ये है सेंट्रल मेटल, ये है लिगेंड है। तो कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, बी में पूछता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ई ए एन। क्या होता है ये सब थोड़ा लिख देना है, खाली फॉर्मूला और एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल सी हम लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला याद रखना है, इफेक्टिव नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। यही फार्मूला है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब देखिए एट नंबर भी रिपीट ही है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। एट नंबर पूछा है, देखिए इसको भी मिटाते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, 2016 में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है। एट नंबर में देखिए, एट में पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल रिपेयर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये पूछा है 2011 में, फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है। आंसर कहाँ मिलेगा? 2011 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा आंसर। ये 2011 का वीडियो देख लीजिएगा, पहला नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर भी रिपीट ही है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व, सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन its boiling point raised by one degree centigrade. What is the molecular weight of solute? What is the
मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, के बी दिया हुआ है, के बी फॉर बेंजीन कितना है, के बी इसका दिया हुआ है 2.54 केल्विन के जी पर मोल होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन 2011 का सेकेंड नंबर है। आंसर क्या मिलेगा, 2011 सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ ही है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टेट फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, स्टेट फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बी में कहा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ है कब, 2011 का 4 नंबर क्वेश्चन है, सब 2011 का उठा करके 2016 में दे दिया, 2011 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 2011 का वीडियो देख लीजिएगा, 11 देखिए, 11 भी पूछा हुआ ही है, इसको देख लीजिएगा, सब पहले का पूछा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि जब वीडियो बार बार देख लीजिएगा 9 से, चूँकि पैटर्न जो 9 वाला शुरू हुआ, अभी वाला पैटर्न 2009 से शुरू है, तो 9 से ही आपको देखना पड़ेगा, तब मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, 11 नंबर में पूछा है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्लेस जान रहे हैं, डिफाइन ए में पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब बी में पूछा है थ्रेशोल्ड इनर्जी, ये तो बहुत बार रिपीट किया, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, 2011 से ही मिलना शुरू होगा, 2011 3 नंबर क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में ही मिलेगा। तो 2016 का क्या देखे हम लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन एक दो छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है, अब आपको बहुत बार ऐसा ही मिलते जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि इसको जब केयरफुल्ली पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन 2009 से 2022 तक अगर पढ़ लेते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, चूँकि ये इतना करने के बाद पूरा सिलेबस ही कवर कर लेता है, ठीक है। इसको आपको सिर्फ वीडियो बीच बीच में निकाल करके देखते रहना है, कहीं जा रहे हैं लगा लिए कान में, आप लोग तो ऐसे भी लगाते हैं कान में लगाए, गाना सुने, गाना के बदला में यही सुन लीजिए, सुनते रहिएगा, अभी एक बार वीडियो देख लीजिए उसके बाद सुनते रहिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा ठीक से, ठीक, थैंक यू।